नई दिल्ली नजफगढ़ में तुड़ा मंडी में चला निगम का हथौड़ा। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निगम द्वारा दुकानों के सामने बने रैंप और सीढ़ियां तोड़ी गईं। दुकानों के सामने रैंप बनाने वाले भवन स्वामियों की मुश्किलें बढ़ी। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन को निशाना लगाते वक्त केवल मछली की आंख दिख रही थी, इसी प्रकार निगम को अवैध निर्माण के तौर पर केवल रैंप ही दिखाई दे रहे हैं क्या? रैंप तोड़ने के दौरान वहां रखे पौधों को भी हटाया नहीं गया। प्रशासन व विभाग समय रहते सख्ती से कार्रवाई करे तो इस समस्या का हल है, लेकिन एक बार अभियान चलाकर काफी समय तक कोई सुध नहीं लेने से समस्या का निवारण नहीं होता। इन रैंप को तोड़े जाने से जहां एक ओर दुकानदारों व ग्राहकों की समस्या बढ़ सकती है, वहीं दूसरी ओर इसका स्थायी समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। रैंप को तोड़े जाने पर और इस समस्या पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज 43 नजफगढ़ की ही नहीं बल्कि देश विदेश की सभी खबरों को आपके सामने लाने के लिए तत्पर है। आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, बस यही गुजारिश है। याद रखिएगा, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। न्यूज 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।